हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, सुबह बज रहे 10:30 और फाइनली नहा धो के रेडी हो चुके हैं मस्त अपना। और गाइस, आप लोगों को बताने वाले नहीं है कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ आप लोगों को बताते ही हैं कि हम नहा कर कहाँ जाते हैं। तो आज भी हम वही जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और मतलब 1 साल हो गया हमें ब्लॉग शूट करते हुए, और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है नहाने के बाद ही, क्योंकि सुबह में थोड़ा काम रहता है, उसके काम ख़त्म करके तब हम ब्लॉग शूट करते हैं। और आप लोगों को पता ही है, हम घर से कभी ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किए, कभी से नहीं। हम इधर उधर से मतलब जहाँ हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इसीलिए कभी कभी ना हम ब्लॉग में नहीं शूट कर पाते। इतना ज़्यादा टेंशन आता है कि आज कहाँ से स्टार्ट करें और क्या नया दिखाएं, कुछ नहीं समझ में आता है हमें। बट फिर भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना होता है ना, तो तकलीफें बहुत ज़्यादा ही आती है, बहुत ज़्यादा। अभी हम चलते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी हमें ना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा टाइम होता है तो हमें बहुत तेज़ वाला भूख भी लगती है, और हमें हल्का भी भूख बर्दाश्त नहीं होता है। तो अभी हम जल्दी से निकलते हैं। और जो आप लोग ये बैर का पेड़ देख रहे हैं ना, इस एरिया का सबसे बड़ा बैर है और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। इसीलिए अभी ना इसका वेट कर रहे हैं कि जल्दी से पक जाए, बट उतना ज़्यादा पका हुआ अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग का बैर तो ख़त्म हो गया है, मतलब सारे ना लोग आके और तोड़ के चले गए। बहुत लोग आते हैं बैर खाने के लिए, बहुत ज़्यादा ही, क्या बताएं आप लोगों को। गाइस, अभी हम आ चुके हैं छत पे, और आप लोग को पता है अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, अभी थोड़ा खाना ना ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए छत पे आ गए टहलने के लिए। और सोचें कि धूप भी नहीं है, बाहर कहाँ निकले, चलते हैं छत पे। और संजना अभी नहा रही है, वो भी 12 बजे। A few moments later. गाइस, अभी हम आ चुके हैं मंदिर साइड, और आप लोग को पता ही है सुबह में ना हमने बैर देख लिया था, बट अभी बहुत देर से खोज रहे हैं। अभी इसको पकने में टाइम है, बट 1-2 मिल जाए वही ठीक है। और अभी थोड़ा पेट भी ठीक है, क्योंकि सुबह में थोड़ा खाना ज़्यादा हो गया था, उस चीज़ के चलते ना थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और हम गए थे छत पर टहलने के लिए, और अभी मस्त वाली धूप भी आ गई है, काफ़ी मीठा धूप है बट लग रही है। और गाइस, जो हम लोग का पसंद रहता है ना, तो आप लोगों को पता ही है, बिना हम लोग खाए नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए हम आ गए अभी बैर ढूंढने के। बट हमसे ना काफ़ी ऊपर है, बट हमें पेड़ पर चागना आता है, बट अभी भूल गए। मतलब जब छोटे थे ना उस टाइम पर चागना आता है, अभी हमें नहीं चागना आता। गाइस, बहुत टाइम के बाद ना ये देखिए हमें एक बैर मिल गया। अभी तो बट सारे कच्चे हैं, बट कहीं कहीं ना एक पका हुआ दिख रहा है, ये भी कच्चा है, बट ऐसे खाने में हमें बहुत अच्छा लगता है, हम पका हुआ बैर नहीं खाते। और साइज देखिए इसका, काफ़ी बड़ा भी है सारे बैर से ना, मतलब बहुत ज़्यादा, अभी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, अभी जितना ज़्यादा पकेगा ना उतना अभी बढ़ेगा। और दिखे हैं हमें दो, बट टूटा एक ही कांट, बहुत गड़ रहा है बैर तोड़ने में, तो सिर्फ एक ही मिलेगा, बाकी अब चलते हैं घर पे। गाइस, हम छत पे गए थे ना, उस टाइम पे संजना नहा रही थी, और उसका बनमासी ना नहाते समय बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, हम देख रहे थे उसको, पर उसको लग रहा था ना कि हम घर में कोई नहीं है, कहाँ पे बस बहुत ज़्यादा उसका बनमासी बढ़ गया है, जितना बढ़ रही है उतना बनमासी कर रही है, और तो अब झगड़ना भी स्टार्ट कर रही है हमसे। गाइस, आप लोग को बताया ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इतना मतलब हम लोग सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है बैर खाने में, और बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। गाइस, शाम को बज रही है 3:30, और हम ढूंढ रहे हैं संजना को, हम उसको 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं, और अभी तक हमें दिख ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है। वो जो हम नहा रही थी ना, तो उस टाइम पे हम छत थे, उसके बाद अभी तक हम उसको देखे नहीं है, क्योंकि पूरे हम रूम में बैठे हुए थे और ना ही हमें नज़र आई है अभी तक ले। हमें लग रहा है कहीं ना वो काम मतलब मम्मी के साथ कहीं गई है, वो बहुत घूमती है बहुत ज़्यादा ही, और इधर उधर ना मम्मी जहाँ पे जाती है तो वो भी चली जाती है संग में। और बैर झाड़ मतलब बैर झाड़ने में इतना यहाँ पे काट गिर गया ना, इतना ज़्यादा पैर में चुभ रहा है बहुत ज़्यादा ही। हम लोग मना करते हैं फिर भी ना
लोग आते हैं और झार बैर को लेके चले जाते हैं। मतलब लोग मेहनत कहाँ करेंगे, पेड़ पे चाहेंगे, और यहाँ पे डंटा रखा हुआ है, मारते हैं उसी से और पूरा कांटे यहाँ पे गिर जाता है। और गाइस इसमें का ना बैर भी खत्म हो गया, क्योंकि सबसे पहले यही पका हुआ था बैर, और उसके बाद ये पीछे अभी पक रहा है, और क्या पता ये 10 दिन 5 दिन में खत्म हो जाएगा।